Good evening to all of you. Today we are going to discuss a very important topic in geography, that is resources, यानी कि संसाधन. हम सभी संसाधनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज उसे थोड़ा सिस्टमेटिक वे में समझने की कोशिश करेंगे. अक्सर आपने समाचारों में या टेलीविज़न में कहते हुए सुना होगा कि इस देश के पास बहुत संसाधन है, या हमारे हम संसाधनों में धनी हैं, ये हमसे संसाधनों में बहुत आगे हैं. इस तरीके की बातें अक्सर हमने समाचार पत्रों में पढ़ी होगी. लेकिन हम सभी के लिए संसाधन शब्द को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी अपनी ज़िंदगी में संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं. तो चलो समझते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसोर्सेज एंड आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि ऊपर मैंने लिखा है, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज यूजफुल इन मेकिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग कम्फर्टेबल इज नोन एज रिसोर्सेज. यानी कि मानव अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी सामान का इस्तेमाल करता है उसको हम संसाधन कहते हैं. या इसे आसान शब्दों में समझना चाहे तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जिस जिस सामान का इस्तेमाल करता है वो हमारे लिए संसाधन है. अगर दैनिक जिंदगी में हम इसे देखें तो हम सभी ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं, जो कि हमारे लिए संसाधन है. रहने के लिए हम लोग घर का इस्तेमाल करते हैं, संसाधन है. हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए रोड बनाए, ये हमारे लिए संसाधन है. अंधेरे से बचने के लिए हमने लाइट लगाई, ये हमारे लिए संसाधन है. तो ये हमारे दैनिक जिंदगी से जुड़े कुछ संसाधन हैं. लेकिन संसाधनों के बारे में कुछ चीज़ें हमें जानना बेहद ज़रूरी है. कोई भी संसाधन तभी संसाधन होता है जब वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करें. पहली बात. दूसरी बात जो ज़रूरी है वो डेवलप होना चाहिए कि हम उसे अपने इस्तेमाल में ला सकें. दूसरी ज़रूरी बात यह है. तीसरी ज़रूरी बात ये क्या है कि वो सस्ता होना चाहिए. ज़्यादा महंगा होगा तो ज़्यादातर लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है. और चौथी ज़रूरी बात यह है कि उसको इस्तेमाल करने या इस्तेमाल में लाने के लिए हमारे पास टेक्निक भी मौजूद होनी चाहिए. कुछ चीज़ें हमारे समाज में या हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए उसको इस्तेमाल में लाने की टेक्निक हमारे पास नहीं है. तो अभी तक हम उस रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाए हैं, तो हमारे पास उसकी टेक्निक भी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद पांचवी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो एक्सेसिबल होनी चाहिए. हम इजीली उसकी तक पहुंच पाएँ और उसको इस्तेमाल कर पाएँ, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस आल और रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन आपसे फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज में पूछा जाता है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को समझते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने रिसोर्सेज को थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. पहला मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्सेज है, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज है, और तीसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके सब क्लासिफिकेशन भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और जो वो बहुत डिटेल में है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, ठीक है. ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आपको सबसे पहली बात यहाँ पर लिखी हुई है, ह्यूमन रिसोर्सेज कंस्टिट्यूट ह्यूमन बींग देमसेल्व्स. यानी ह्यूमन रिसोर्सेज में मानव ही शामिल होता है या मानव से ही बना हुआ है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन उसके लिए हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए. और टेक्नोलॉजीज कौन डेवलप करता है, ह्यूमन. क्योंकि ह्यूमन के पास स्किल है, उसके पास थिंकिंग स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है. इन स्किल की हेल्प से
वो कई सारे टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने की एबिलिटी को रखता है, ठीक है। तो ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्सेज है। जब हम टीचर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। सो कैसे, इसको आपको समझना होगा। टीचर जो है वो कई सारे अपनी पूरी लाइफ में कई सारे अच्छे बच्चों को क्रिएट करने की एबिलिटी को रखता है, ठीक है। आपने देखा हो कई सारे अच्छे इंसान को उनके अंदर अच्छी हैबिट्स को कल्टीवेट करता है। एक अच्छा जो मूर्तिकार होता है अपनी कला से कई अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बना देता है। एक अच्छा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कई सारे अच्छे अच्छे बेनिफिशियल एप्स को डिज़ाइन कर सकता है। तो एक अच्छा डॉक्टर कई सारे मरीजों को ठीक कर सकता है। तो ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्सेज है, उसके पास स्किल है जिसकी मदद से वो कई सारे क्या है चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, राइट। सबसे एक अच्छी लाइन जो मुझे बार बार ह्यूमन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग याद आती है, विदाउट ह्यूमन बीइंग नो गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी डेवलप एंड यूटिलाइज एज अ रिसोर्सेस। यानी कोई भी गिफ्ट हो नेचर का, अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है तो वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, विदाउट ह्यूमन बीइंग नो गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी डेवलप एंड यूटिलाइज, राइट। तो नेचर के किसी के गिफ्ट को हम उसका विकास करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए ह्यूमन बीइंग का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें आपको दो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें रखनी चाहिए। पहली बात, उसके अंदर एजुकेशनल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। यानी एजुकेशनल एक्सपर्टीज़ मतलब उसके अंदर एजुकेशनल स्किल एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ स्किल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिनिमम क्राइटेरिया जो कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज के पास होना चाहिए, राइट। हेल्दी भी होना चाहिए जिससे वो उसका दिमाग शार्पली, आपने सुना होगा हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पर मायने रखती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या होता है कि ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आती हैं। जैसे हमने रोड बनाए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसान हो गया, ठीक है, ट्रैफिक को कम करने के लिए हाईवे बनाए, ब्रिज बनाए हमने, घर में ठंड से बारिश से बचने के लिए हम लोगों ने घर बनाए, हाउस बिल्डअप किए, ये सब दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, आप ये बात को समझिए कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज इस फॉर्म में हमें अवेलेबल हैं कि हम उनको एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या होता है, ह्यूमन अपनी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके या अपने द्वारा बनाए गए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, उनको यूटिलाइज करने लायक क्या बनाते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेचुरल रिसोर्सेज को अभी हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हमने उसको दो भागों में बांटा है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उसमें हमने हमने बायोटिक और अबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक, जैविक संसाधन अजैविक संसाधन, एग्जॉस्टेबिलिटी या फिर यूटिलिटी भी हम इसको बोल सकते हैं या रिन्यूएबिलिटी भी बोलते हैं, इसके बेसिस पे हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट की संसाधनों का कितना विकास हुआ है, तो उसके बेसिस पर आप देख सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ओनरशिप, इसके बेसिस पे हमने चार पार्ट्स में रिसोर्सेज को डेवलप मतलब डिवाइड किया है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये सारे रिसोर्सेज बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए इन सारे रिसोर्सेज को बेहद ही ध्यान से हमें समझना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पर बात करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर हमारे क्या आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड्स नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स ऑफ बोथ फ्रेश वाटर्स एंड सॉल्ट वाटर्स। यानी जैविक संसाधन, यानी जितने भी जो जीवित प्राणी जगत
पृथ्वी पर मौजूद है वो सब बायोटिक संसाधन के अंदर आता है, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आता है। अबायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड्स लैंड यूटिलाइज फॉर सेटलमेंट, सॉइल्स फॉर कल्टीवेशंस, वाटर फॉर सर्वाइवल्स एंड मिनरल्स। तो मिनरल्स हो गए हमारे, सॉइल हो गया, लैंड हो गया, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज, राइट। उसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी या यूटिलिटी के हिसाब से देखते हैं कि संसाधन खत्म हो जाएंगे। इस पर हमने रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाई, सम रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, यानी जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ट्री, आपने देखा होगा ट्री खत्म हो गए फिर से नए पेड़ उग जाते हैं, राइट। वो रिन्यूएबल है, दोबारा से अपनी कंडीशन में आ जाते हैं, ख़त्म नहीं होते मेनली, जिनको हम दोबारा से पुनर्जीवित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे हमारा सोलर पावर हो गया, विंड्स हो गए, टाइडल एनर्जी हो गई, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, फिशेज, वाइल्ड लाइफ, एयर एंड वाटर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे कैन बी रिन्यूड एंड रीप्लैनेज इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कम समय में ही हम इनको दोबारा से पुनर्जीवित कर सकते हैं, दोबारा से इनकी कंडीशन में लेकर आ सकते हैं। दे आर ऑल्सो मोर ईजली अवेलेबल एंड मोर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अपेक्षा ये ईजली से हम लोगों को मिल भी जाते हैं, ईजली से डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये रीजनरेट भी होते हैं, आप इनको ध्यान रखिए, जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है रीजनरेट होते हैं, सोलर एनर्जी, विंड्स, सनलाइट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये वाले जो रिसोर्सेज है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज आर आइदर नॉट रिप्लेनिशेबल एंड मे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड। मिनरल्स, ओर्स, फॉसिल फ्यूल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको लगते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड्स इनको लगता है बनने में, इसीलिए हम लोगों को इन रिसोर्सेज का बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑल्सो नीड टू बी मैनेज वेल सो दैट वी डू नॉट एक्सपीरियंस ए स्केयरसिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इन द फ्यूचर। तो हमें बड़े ही मैनेज वे में, सिस्टमेटिक वे में रिसोर्सेज का यूज़ करना है कि हम आने वाले जनरेशन के लिए भी इन रिसोर्सेज को बचा सकें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें दो टाइप्स के हमने रिसोर्सेज बताए। आप देखिए यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? पोटेंशियल मतलब संभावित संसाधन, ऐसे संसाधन जो इन फ्यूचर जिनका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। आप समझ सकते हैं दीज रिसोर्सेज आर known to exist and have been located but are not being utilized or developed at present, यानी कि क्या होता है, जो हमारे potential resources है वो है, located है, एक जगह है, लेकिन अभी तक ये विकास नहीं हुआ है, अभी तक हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, ठीक है। दे मे बी डेवलप एंड यूटिलाइज इन द फ्यूचर, इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आएगी तो हम इनका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, इनको डेवलप कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टाइडल एनर्जी हो गई, सोलर एंड जियोथर्मल्स एनर्जी रिसोर्सेज, एंड दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल मतलब जो वास्तविक संसाधन जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको हम एसेस भी कर चुके हैं, जिनका हम लोकेटेड भी कर चुके हैं, जिनका हम डेवलप भी कर चुके हैं, हम जिनका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं, वो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। जैसे हमने कॉल का पेट्रोलियम का, डीजल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो दीज ऑल आर एक्चुअल रिसोर्सेज, राइट। लेकिन एक्चुअल रिसोर्सेज जो है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे इनकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन मैटर करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मैटर करती है, और मार्केट कंडीशन भी मैटर करता है, ठीक है। अब जो लास्ट आप देख रहे हैं बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओनरशिप, उसमें आप समझिए कि चार पार्ट्स में है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी व्यक्तिगत संसाधन जो किसी व्यक्ति का अपना है, जैसे किसी व्यक्ति का घर हो गया, राइट,
किसी के घर में मौजूद उसके कुछ सामान हो गए, वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, किसी और अदर पर्सन का उस पर कोई राइट नहीं होता। कम्युनिटी रिसोर्सेज, जैसे आपने देखा हो किसी कम्युनिटी का कोई पार्क हो गया, कम्युनिटी का स्कूल है, तो दीज ऑल आर कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गया। नेशनल रिसोर्सेज यानी राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, ठीक है, वो हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, जिसमें पूरे देशों का, जैसे कि आपने सुना होगा कि अंटार्कटिका जो कम्युनिटी रिसोर्सेज, सारे देशों का उस पर क्या है अधिकार है, या जितने भी हमारे महासागर सब होते हैं, तो ये सारे क्या हैं हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, जिन पर किसी एक देश का नहीं बल्कि समस्त देशों का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने रिसोर्सेज क्या है और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उसको डिस्कस किया। अगर कोई डाउट रह गया हो आपको किसी की चीज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं अपने चैनल की, कि मैं SST से रिलेटेड टॉपिक को इजी लैंग्वेज में और मतलब अच्छी तरह से सिस्टमेटिक वे में आपको समझा पाऊँ। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, या कुछ भी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट में भेजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़े। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।